नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का विलेज टेस्टी भोजन में। तो दोस्तों, आज हम बनाएंगे सतपुतिया की सब्जी। तो अभी हम आए हुए हैं खेत में सतपुतिया तोड़ने के लिए। सतपुतिया की सब्जी में बहुत ही विटामिन और पोषक तत्व होते हैं, तो इसकी सब्जी हम सभी को जरूर खानी चाहिए। तो चलिए इसे तोड़ लेते हैं। तो ये देखिए, सतपुतिया तोड़ लिए हैं। अब इसे लेकर हम घर चलेंगे। तो इसे लेकर हम घर आ गए हैं, अब इसे छील लेंगे। दोस्तों, सतपुतिया को आपके यहाँ क्या बोला जाता है, आप लोग हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अब इसे धो लेंगे। अब सब्जी को छोटे छोटे टुकड़ों में काटेंगे। अब यहाँ चूल्हे पर कढ़ाई चढ़ाए हैं, इसमें तेल डालेंगे। तेल गरम हो गया है, अब इसमें थोड़ी सी जीरा डाल रहे हैं और ये डाल रहे हैं कटी हुई हरी मिर्च और लहसुन। अब इसमें थोड़ी सी फूला हुआ चना डाल देंगे। सतपुतिया में चना डालकर बनाया हुआ सब्जी खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। इन सभी को धीमी से मध्यम आंच के बीच 2 से 3 मिनट तक भूनेंगे। तो इसे 3 मिनट तक भून लिए हैं। अब इसमें कटी हुई सतपुतिया डालेंगे। अब इसमें स्वादानुसार नमक डाल देंगे और ये थोड़ी सी हल्दी पाउडर। अब इसमें हम बाकी कोई भी मसाला नहीं डालेंगे। नमक हल्दी मिलाने के बाद अब इसे धीमी आंच में ढक ढक कर 10 से 15 मिनट तक पकाएंगे। सब्जी को बीच बीच में चलाते रहेंगे। तो सब्जी को पकाते हुए 15 मिनट हो गए हैं और सब्जी अच्छे से पक भी गई है। ये देखिए, अब गैस बंद करके इसे चूल्हे पर से नीचे उतार लेंगे। तो ये लीजिए दोस्तों, बहुत ही सिंपल तरीके से टेस्टी और हेल्दी सतपुतिया की सब्जी बनकर तैयार है। यह रोटी पराठा के साथ खाने में बहुत ही टेस्टी लगेगा। तो कैसी लगी हमारी यह रेसिपी, आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कर दीजिएगा।